स्वागत है बसंत साहब आपका। सर बताएं एक बार तो पहले आउटलुक, हालांकि फेड की मीटिंग वीटिंग सब कुछ हो गई, उसके बाद भी बाजार गिरावट ही दिखा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है सर? एक्सपायरी का मामला है या फिर आगे बढ़ेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल एक्सपायरी का मामला है। इंडिया के नंबर्स आप देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ। पिछले एक्सपायरी 17,000 पे बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव 80 रुपए था और स्टेट बैंक का 452। आज देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 100 के पास है और स्टेट बैंक 510। तो ये जो आज गिरावट है, ये इस हफ्ते में सब टेक्नोलॉजी की वजह से है, जो सबसे फेवर्ड थे और मेटल्स, और वही लेने का मौका है। तो मुझे लगता है आज की गिरावट देखिए, अब आपका बजट, और अब कोई दो राय नहीं कि इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। और फरवरी का महीना, मार्च में जो आना रेट हाइक आएगा, उससे पहले आपको फरवरी का महीना बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, दिस इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म, और ये आधे एक घंटे में जो कोलैटरल सेलिंग है खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द टाइम टू पिक अप क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि फिर वो मौका नहीं मिलेगा। आप कहें तो मैं तो सबसे पहले सबसे दिग्गज एक तो लीजिए आप एबी कैपिटल के नंबर शानदार आएंगे। आपको याद है मैंने 108-10 से कहा था, 150-40 बिक गया। एबी कैपिटल विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर, और जो इसके वर्टिकल्स हैं दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 116-17 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 12.5-13 का, लेकिन 130 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जो मिड कैप आईटी में बहुत बढ़िया नंबर थे, एम्फोसिस, और एम्फोसिस आई थिंक हैज करेक्टेड मोर देन वारंटेड। तो ये 2990-2985 में आप लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 29-30, लेकिन 3200 से पहले मत बेचिए। तो आई थिंक आईटी इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। बैंक्स आर लीडिंग, तो बैंक निफ्टी तो मुझे 40,000 दिखता है बजट के बाद। और अब आईटी और आप फाइनेंशियल्स में फिर से वापस देखिए, मेटल्स, आईटी आर गोइंग टू लीड दिस कमबैक फ्रॉम मे बी टुमारो और टुडे आफ्टरनून।